हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल उदित ब्लॉग्स। तो गाइस, आज की वीडियो खास DIY टाइप की मॉडिफिकेशन के बारे में रहने वाली है। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि गाइस चैनल पर ऑटोमेटेड वीडियो DIY टाइप की मॉडिफिकेशन वीडियो एंड बाइक से रिलेटेड वीडियो आती रहती हैं। तो गाइस, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो गाइस, हमने अपनी ब्लैक ब्यूटी के लिए एक खास DIY टाइप की मॉडिफिकेशन एक्सेसरीज मंगवाई है। तो गाइस, वो रहने वाली है ये ब्रेक फ्लैशर लाइट, जो कि काफ़ी अच्छी एंड चीप मॉडिफिकेशन सीरीज रहने वाली है। एंड इस DIY टाइप की मॉडिफिकेशन सीरीज की खास बात ये रहने वाली है कि आप इसकी इंस्टॉलेशन DIY टाइप से कर सकते हैं अपनी कार के अंदर, चाहे आपकी कार हैचबैक हो, सीडान हो या फिर SUV टाइप की कोई भी कार हो। तो गाइज़, ये मेरी सीडान कार रहने वाली है। तो गाइज़, मैं अपनी कार के अंदर जो ब्रेक फ्लैशर लाइट है, मैं यहाँ पे जो पीछे का बैक साइड का बम्पर है यहाँ पे इंस्टॉल करने वाला हूँ। एंड जो इसका कनेक्शन में जो पीछे की जो टेल लाइट है इसे करने वाला हूँ। एंड जब भी मैं अपनी कार के ब्रेक अप्लाई करूँगा तो जब भी मेरी टेल लाइट वर्क करेगी उसी के साथ जो ये मेरी ब्रेक फ्लैशर लाइट है वो वर्क करेगी। तो गाइस, मैं यहाँ पर अपनी कार के अंदर ये ब्रेक फ्लैशर लाइट इंस्टॉल करने वाला हूँ। तो गाइस, अभी इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग। एंड गाइस, ये काफ़ी चीप रहने वाली है। ये मेरे को ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से 275 की पड़ी। ये काफ़ी चीप रहने वाली है एंड मेड इन चाइना रहने वाली है, बट ये इतनी जल्दी ख़राब होने वाली नहीं है। एंड साथ के साथ आपको ये वाटरप्रूफ देखने को मिल जाती है। तो गाइज़, मैं ये ऑलरेडी ये यूज़ कर चुका हूँ। एंड जो मैंने पहले ब्रेक फ्लैश लाइट थी वो इंस्टॉल कर रखी थी, वो यहाँ पे कर रखी थी, बट मेरी कार का ग्राउंड क्लियरेंस कम होने के चक्कर में वो किसी चीज़ से हिट होकर ब्रेक हो चुकी है, इस वजह से मेरे को ये दूसरी ऑर्डर करनी पड़ी। तो गाइज़, इसको भी मैं यहाँ पर इंस्टॉल करने वाला हूँ। जो ये बम्पर की एजेस है यहाँ पर आपको स्पेस देखने को मिल जाती है हर कार के अंदर। एंड इसके अंदर आपको एक पत्ती देखने को मिल जाती है, जिसके पत्ती के अंदर आपको जो अपनी कार का बम्पर की एजेस है उनके अंदर फिट करके कुछ इस तरीके से इस पत्ती के अंदर फिट करके आपको जो स्क्रू है वो टाइट करने पड़ेंगे और ये अच्छे से यहाँ पे स्टिक हो जाएगी। तो गाइज़, अभी मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ एंड आपको यहाँ पे डे का एंड नाइट का व्यू चेकआउट कराऊंगा। एंड गाइज़, खास बात ये है इसकी, ये काफ़ी चीप मॉडिफिकेशन रहने वाली है एंड DIY टाइप के लिए रहने वाली है। एंड अगर आप मॉडिफिकेशन के शौकीन हैं तो आप अपनी कार के पीछे ये इंस्टॉल करोगे तो दूर से अपनी कार जब भी आप नोटिस करोगे तो भीड़ के अंदर भी काफ़ी अलग नोटिस होगी एंड यूनिक दिखने वाली है, क्योंकि जो इसकी फ्लैश लाइट है काफ़ी ज़बरदस्त रहने वाली है एंड काफ़ी ब्राइट रहने वाली है और आपको अपनी कार भीड़ के अंदर भी यूनिक दिखेगी। तो गाइस, फटाफट से मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ उसी प्लेस पे जहाँ पे मैंने पहले इंस्टॉल कर रखी थी। गाइस, जो ब्रेक फ्लैशर लाइट है उसकी वायरिंग का मैंने कनेक्शन कर लिया है। एंड गाइस, इसके अंदर आपको तीन वायर देखने को मिल जाती हैं, रेड, येलो एंड ब्लैक। तो गाइस, इसके अंदर आपको दो मोड देखने को मिल जाते हैं। अगर आप चाहते हो आपकी जो ये ब्रेक फ्लैशर लाइट है जब भी आप अपनी कार के ब्रेक अप्लाई करो तो स्लो स्लो ब्लिंक हो, तो इसके अंदर एक वायर आपको छोड़नी पड़ेगी येलो वाली एंड दो वायरिंग आपको कनेक्शन में रखनी पड़ेगी। एंड अगर आप चाहते हो आपकी जो ब्रेक फ्लैश लाइट है काफ़ी तेज ब्लिंक करे जब भी आप अपनी कार के ब्रेक अप्लाई करो, तो गाइज़ आपको करना क्या है, जो ये रेड वाली वायर है एंड जो येलो वाली वायर है दोनों को कंबाइन करके एक वायर में कनेक्ट करना है एंड जो ब्लैक वाली वायर है उसको सेपरेट दूसरी वायर में कनेक्ट करना है, तब जाके आपकी जो ये ब्रेक फ्लैश लाइट है काफ़ी तेज़ ब्लिंक करेगी जब भी आप अपनी कार के ब्रेक अप्लाई करोगे। तो गाइज़, फटाफट में इसको अपनी पोजिशन पर इसको इस पोजीशन में फिट कर देता हूँ, जो भी इसकी स्क्रू है वो टाइट कर देता हूँ और थोड़ा सा लास्ट में जाके मैं जो भी फेविक्विक टाइप की है मैं यहाँ पे डाल दूंगा ताकि अच्छे से स्टिक हो जाए। तो गाइज़, फाइनली हमने अपनी कार के अंदर ब्रेक फ्लैशर लाइट इंस्टॉल कर ली है, आप लोग चेकआउट कर सकते हो। बाकी ब्रेक अप्लाई करने पर जो भी ब्लिंक करेगी मैं उसका डे का एंड नाइट का मोड डाल दूंगा। तो गाइज़, अभी फिटिंग आप चेक कर सकते हो, बिल्कुल प्रॉपर आई है। एंड यहाँ पे थोड़ा सा LFE डालना बाकी रह रहा है ताकि अच्छे से स्टिक हो जाए और नॉर्मली कहीं भी ये टच हो तो उसके अंदर जल्दी से ना हटे। एंड गाइज़, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ से प्रॉपर फिटिंग आई है। एंड यहाँ पे जो बम्पर के अंदर आपने नोटिस किया होगा यहाँ पे एजेस आती है, यहाँ पे जो इसकी क्लिप आती है वो फिट हो चुकी है एंड यहाँ पे जो स्क्रू है फिट करने के बाद मैंने टाइट कर दिए ताकि अच्छे से स्टिक हो जाए। इस डे का इसका लुक चेक करो, कितनी ब्राइट दिख रही है डे के अंदर भी, और इसका जो फ्लैश है काफ़ी जल्दी जल्दी फ्लैश मार रही है। बाकी मैं जो नाइट का लुक भी वीडियो के अंदर डाल दूंगा, बाकी आप चेक कर सकते हो कितना ब्राइट इसका फ्लैश है। तो गाइस, भीड़ के अंदर जब भी आप अपनी कार ले जाओगे तो अलग से ये नोटिस हो जाएगी। ये छोड़ वापस वापस ज़्यादा। तो गाइस, लुक चेक करो, और काफ़ी अच्छी मेरे को चीप DIY टाइप की मॉडिफिकेशन लगी है। आप देख सकते हो दिन में भी कितनी नोटिस हो रही है। अभी मैं थोड़ा पीछे जाता हूँ।
पीछे जाके दिखाता हूँ मैं अभी, देखो दिन में भी नोटिस हो रही है। तो गाइज मैं बाकी नाइट का व्यू भी डाल दूंगा, छोड़ दे। तो गाइज मैं नाइट में लुक चेक करवाता हूँ कि नाइट में क्या रेस्पॉन्स रहता है जो मैंने ब्रेक फ्लैश लाइट इंस्टॉल करी है। तो गाइज आप चेक कर सकते हो कितनी ब्राइट है और काफ़ी यूनिक लगने वाली जब भी आप अपनी कार रोड पे लेके निकलोगे। तो गाइज आप चेक कर सकते हो, तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि इस चैनल पे ऑटोमेटेड वीडियो एंड डीआईवाई टाइप की मॉडिफिकेशन वीडियो एंड बाइक से रिलेटेड वीडियो आती रहती हैं। तो गाइस वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।